नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कबीरदास जी कह गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सचमुच बहुत महत्वपूर्ण सी सीख है कि जो भी चीज़ें हैं हम आज ही करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें कल पर भी छोड़ देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने तो यही सुना है, यही पढ़ा है कि जो अभी करेगा वही कर पाएगा। तो कौन सी चीज़ें हमें आज कर लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें कल पे छोड़ देनी चाहिए, इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। जीवन में जब बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दे, और जब अच्छा करने का विचार आए, शुभ विचार आए, तो उसे उसी समय कर ले। जीवन के अंदर हम कभी कभी सोचने में समय गवा देते हैं। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है इसी क्षण करना है। जीवन के अंदर जो विचार है वो तब अमूल्य बन जाते हैं जब हम उन्हें कर्मों में लाते हैं। और अगर हम सोचते रह जाते हैं कि कल कर लेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है, ये पोस्टपोन करना जीवन में समस्याओं को आमंत्रित करना है। आध्यात्मिकता और दृढ़ता हमें ये प्रतिदिन संदेश देती है। और आज से हम एक दृढ़ संकल्प कर ले कि जो मुझे करना है मुझे अभी करना है, आज ही करना है और इसी क्षण करना है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये जीवन में आता है तो जीवन को सभी रंगों से भर देता है। जब कभी हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, और कोई हमारे पास आकर दिल से दुआ देता है, ये कहता है कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, तो सचमुच हम स्वस्थ होने लगते हैं। हमें कितनी राहत मिलती है, मन कितना शक्तिशाली हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर हम बढ़ चलते हैं। ये दुआएं, चाहे वो मुख के द्वारा दी गई हैं या मन के द्वारा दी गई हैं, सचमुच हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं। तो इम्यूनिटी थ्रू ब्लेसिंग्स, इस पर ही आज सुंदर प्रकाश दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आइए सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ऐसे काफ़ी ऐसे ओकेजन्स आते हैं हमारे लाइफ में जब हम डाउन फील करते हैं किसी भी कारण से। समस्याएं आती हैं, कई बार घर में समस्याएं होती हैं, वर्किंग प्लेस पे समस्याएं होती हैं, कई बार अपनी हेल्थ भी डाउन हो जाती है। किसी कोई बीमारी आ जाती है अचानक से, कभी इन्फेक्शन कोई आ जाता है, कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, मोटापा बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो इन सब में भी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। और कई बार जब हम डाउन होते हैं किसी भी कारण से, तो कई बार हम अपने आप को दुआ नहीं दे पाते हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो अगर ऐसे समय पर आप किसी और का भला कर दें, किसी और को दुआ दें, ब्लेसिंग्स दे दें, तो क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। किसी की मदद करें, किसी रूप में भी मदद करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर आप अपने आप को इसके लिए दुआ दे सकते हैं कि आपने ये किसी को दुआ दी, किसी को ब्लेसिंग दी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को, क्योंकि हमें जो है जीवन को खाली, कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम एक ही पिलर पर लेके चलते हैं, या तो अपने प्रोफेशन को लेके चलते हैं या अपने परिवार को लेके चलते हैं, जबकि देखने मल्टी पिलर पर्सनैलिटी बने, मतलब अपने जीवन को कई आधार दे दें। अपनी जो है अपना एक तो फिजिकल हमारा जो हमारा ऑक्यूपेशनल फील्ड है, अपना घर का भी, हमारा जो रिलेशनशिप्स हैं, फिर जो है हमारा एक कहीं ना कहीं हम किसी की मदद करें, मदद करने का एक फील्ड बना लें। तो एक मेडिटेशन, अगर आप डेली अगर मेडिटेशन करेंगे दोस्तों, तो एक इससे क्या होगा, जब आपके अंदर सोमान आएगा
कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और परमात्मा ने मुझे किस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो आपके अंदर सदा ये फीलिंग रहेगी कि मैं दूसरों को नरिश करूं, और उससे आपको बहुत दुआएं मिलेंगी और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और सब तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे वो और कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, या इवन आपके घर में समस्याएं हैं या वर्किंग प्लेस पे समस्याएं हैं, उसको फाइट करने में, उससे मुक्ति पाने में, उसको उसमें विजय पाने में आपको बहुत मदद मिलेगी और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। मित्रों, जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अपने दोनों हाथ बढ़ाकर दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी हर दुआ कबूल करते हैं, साथ ही ईश्वर उनकी हर चाहत भी पूर्ण करते चलते हैं। बहुत सत्य सी बात है कि जो देने वाला होता है उसके हाथ कभी खाली नहीं होते, लेकिन ये भी सत्य है कि लेना तो आसान है लेकिन देना कठिन है, लेकिन हम देते चलें और ऐसी ही प्रेरणा हमें प्राप्त होती है ऐसे महानुभावों से जो कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से देते चल रहे हैं। आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में एक ऐसी ही शख्सियत, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे जी। प्रकाश जी, खास अभी आप लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, जो कि एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थान है, कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत सुना था, मतलब हम लोग ब्रह्मा कुमारी से कई जगह मिले थे, मतलब आपके सारी 140 देशों में, तो सभी बड़े शहरों, छोटे कस्बों में, जैसे हमको मक्से से अवार्ड मिला था तो मलीला में गए थे, तो वहाँ भी आपसे ब्रह्म कुमारी जी हमसे मिली थी। तो सुना बहुत था कि यहाँ माउंट आबू में आपने देखना चाहिए कि इतना बड़ा आश्रम यहाँ बनाया है। सच में आने के बाद हमको ऐसा लगा कि विजन, मतलब जिसको हो, सिंपल है, विजन हो आदमी की, एक आदमी उसके लिए काफी है, लेकिन कितने लोगों को वो इकट्ठा कर सकता है। ये जो हम बाबा के बारे में भी सुना था, देखा था, अनुभव किया था, यहाँ आने के बाद देख रहा है कि ये आपने दुनिया में पूरा इसका मतलब फैलाव किया है, और उद्देश्य क्या है, बेसिकली विश्व शांति जी, जिसकी बहुत जरूरत है आज के जमाने में। उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सब कुछ है उसके बावजूद भी और कुछ होना चाहिए लोगों को, भोगवाद जिसको कहते हैं जी जी, और आदमी को क्या साथ में ले जाता है जब जिंदगी पूरी होती है तो उसमें कुछ नहीं ले जा सकता है। तो ये जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। आप तो समाज के लिए सेवा तो कर रहे हैं, एजुकेशन है, ये है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों की, मतलब इतने सारे लोग आज देख भी सके हम लोग, बहुत देशों से लोग आ रहे हैं, तो ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। सचमुच मित्रों, अपनी मांगों को छोड़कर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करके देखें, बहुत आनंद आएगा। और ये ज़रूरतें केवल साधन सामान या पैसों की बात नहीं है मित्रों, हम कुछ ऐसी चीज़ों से भी दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं जो हमारे पास हैं, यदि किसी निराश मन में आशा का संचार कर दें, किसी अशांत व्यक्ति को शांत कर दें, किसी को अच्छा सुंदर सहयोग अपनी वाणी के द्वारा दे दें, प्रोत्साहित कर दें, किसी बलहीन को शक्ति प्रदान कर दें, ये कितनी बड़ी सेवा है। और इसी सेवा की तो सचमुच नितांत आवश्यकता है, और यही सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, निर्बल मन को शक्ति देने का, शांति देने का, उत्साह से भरने का और जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहने का। आइए देखते हैं उनकी इन सेवा कार्यों को इस न्यूज हाइलाइट्स में। यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है, दर्द, पीड़ा और निराशा हवा में है। चूंकि युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनीतिक मोर्चे पर बातचीत और चर्चा हो रही है, आध्यात्मिक मोर्चे से प्रार्थना और ध्यान भी आशा लाता है। इजराइल के एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राज्य अमेरिका के शांति विभाग ने शरणार्थियों और युद्ध के पीड़ितों के बीच आशा और विश्वास फैलाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को भेजने की पहल की। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी यूके की सिस्टर मॉरीन गुडमैन भी यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए परमात्मा के प्रेम और आशा के स्पंदन को फैलाने के लिए
प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल रोमानियाई सीमा के पास यूक्रेन के एक सुरक्षित स्थान पर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल शरणार्थी शिविरों और चेरनित्सी शहर का दौरा करेगा। शहर के मुख्य थिएटर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ध्यान और प्रार्थना का संचालन करेगा और आशा और अतिजीवन के आध्यात्मिक संदेशों को साझा करेगा। इस कार्यक्रम को 12 अप्रैल को www.faithinukraine.com, Peace of Mind TV चैनल और हमारे YouTube चैनल ओम शांति चैनल GWS पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। समय भारत में शाम 7:30 बजे, UK में दोपहर 3 बजे और यूक्रेन में शाम 5 बजे होगा। आइए विश्व शांति में योगदान देने के लिए लाइव इवेंट में शामिल हो जाए। मित्रों, आज का सुवाक्य सचमुच हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में प्रतिदिन दोनों बातें हमारे सामने आती रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। हम किसका चयन करते हैं वो हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडिंग फादर हमेशा कहा करते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। और ये उन्होंने अच्छी बातों के लिए कही कि जो भी अच्छे विचार आए अभी अभी तत्काल कर डालो, क्योंकि जो अभी करता है वही कर पाता है, जो कल पे छोड़ता है वो नहीं कर पाता। लेकिन कल पर छोड़ने वाली बात के लिए मेरे एक मित्र की बहुत प्यारी सी बात आपको गुदगुदाएगी। इसे भी याद रखें कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है अभी बरसो। तो जब कभी कोई बुरे विचार आए, बुरे ख्याल आए, उस समय इस दोहे को याद कर लीजिएगा कि आज नहीं इसे हम कल करेंगे। तो सचमुच मित्रों, जीवन बहुत ही सुंदर से सुंदरतम होता चलेगा और आप लाइट की ओर बढ़ते चलेंगे, तो आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।